हेलो फ्रेंड्स, सारा कुक हाउस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आलू टमाटर की सब्जी। इसे हम कुकर में बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये अभी कुकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें ये तेल डाल दूंगी। तेल डाल दिया है इसमें, अभी हम इसे थोड़ा गरम कर लेंगे। और इसमें मैं अभी ये दो लौंग, दो दालचीनी के टुकड़े, ये पांच छह काली मिर्च और एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता डालने वाली हूँ। तेल अभी गरम हो गया है, सारे खड़े मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। मसालों को थोड़ा फूलने देंगे, ये अच्छे से फूल गए हैं। अभी मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी, एक छोटी प्याज को बारीक कट करके लिए मैंने यहाँ पर। हल्का सा पका लेंगे एक दो मिनट के लिए। प्याज हल्की सी पक गई है, अभी मैं इसमें ये दो मीडियम साइज के टमाटर बारीक कट करके डाल रही हूँ। इसे भी हम एक दो तीन मिनट पका लेंगे। देखिए, ये टमाटर को भी मैंने एक दो तीन मिनट हल्का भून लिया है तेल में। अभी मैं इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, एक टीस्पून जितना है ये। इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे तेल में। तो ये देखिए, ये अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने एक आध मिनट तक भून लिया है तेल में अच्छे से। अभी मैं इसमें एक टेबलस्पून जितना ये प्याज लहसुन का मसाला, जिसे महाराष्ट्र में कांदा लहसुन मसाला बोलते हैं, ये डाला है। ये 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ इसमें। ये आधा टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ऑप्शनल है, आपको डालना ही तो ही डालिए। आधा टीस्पून जितना गरम मसाला, एक टीस्पून जितना नमक और ये मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें एक टीस्पून जितना चीनी डाल रही हूँ। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, पर ये जो टमाटर की जो खटास होगी उसे बैलेंस करेगी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी मैं थोड़ा सा ये कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ। अच्छे से मिलाएंगे इन सारी चीज़ों को। ये सारे मसालों को मैंने एक आध मिनट के लिए भून लिया है तेल में। अभी मैं इसमें ये आलू डाल रही हूँ, छील के मोटा मोटा कट करके लिया है मैंने इन आलूओं को। दो बड़े आलू है ये, इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे इसमें। अभी मैं इसमें ये पानी डाल दूंगी, पानी इतना डालेंगे कि आलू इसमें डूब जाए। ये देखिए, आलू डूब गए हैं इसके अंदर। अभी मैं फ्लेम को हाई करके एक कुकर का ढक्कन लगा के एक सीटी लगाने वाली हूँ इसे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक सीटी आने के बाद मैंने कुकर को बंद कर लिया था और अभी इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया है। अभी मैं इसे खोल के चेक करूँगी। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बन गई है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। पर अभी हमें एक स्टेप करनी बाकी है। अभी हम इसे एक मैशर लेके, ये जो पाव भाजी का मैशर आता है, उससे हम इसे अच्छे से मैश करके लेंगे इस सब्जी को। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, अभी ये बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तैयार है। तो हमारी ये बहुत ही सिंपल सी पर इंटरेस्टिंग आलू टमाटर की सब्जी बनके तैयार है। जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा रेसिपीज़ देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarahcookhouse.com। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।